वेलकम इंजीनियर्स, आज हम एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, द मूविंग पार्ट ऑफ द डोर इज नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका डोर होता है उसके मूविंग पार्ट को क्या बोला जाता है, शटर या होल्ड फास्ट या डोर फ्रेम या राल प्लग। तो डोर के मूविंग पार्ट को बोला जाता है शटर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द असेंबली स्टाइल्स पैनल्स एंड रेल्स इज नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्टाइल्स पैनल्स और रेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, शटर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट विंडो ओपनिंग फॉर 30 mq इनसाइड वॉल्यूम ऑफ द रूम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अगर रूम की इनसाइड वॉल्यूम अगर जो 30 mq है तो उसके लिए जो विंडो की ओपनिंग है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 30 m² या 3 m² या 1 m² या 10 m². तो विंडो के लिए ओपनिंग चाहिए होगी हमें 1 m². ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कारपेट एरिया मीन्स, कारपेट एरिया जो है उसका मतलब क्या है, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल या फिर टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया या ऑल अबव प्लिंथ एरिया या फिर प्लॉट एरिया ऑफ द साइड। तो कारपेट एरिया का मतलब जो होता है वो होता है टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बोग्यू कंपाउंड विल कंट्रोल द सल्फेट अटैक। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपके बोग्यू कंपाउंड होते हैं वो सल्फेट अटैक को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का 7%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाई एक्यूरेसी जीपीएस इज एसोसिएटेड विद। जो आपके हाई एक्यूरेसी के जीपीएस होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, लो कास्ट जीपीएस से या नो पिंट प्रोसेसिंग से या डिफरेंट कैरियर फेस ट्रेसिंग से या डिफरेंट कोल्ड फेस ट्रेसिंग से। तो जो आपके हाई एक्यूरेसी वाले जीपीएस होते हैं वो डिफरेंट कैरियर फेस ट्रेकिंग से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द सबग्रेड ऑफ रोड्स इज एक्सप्रेस्ड बाई। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी रोड होती है उसकी सबग्रेड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी द्वारा या फिर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन द्वारा या CBR वैल्यू द्वारा या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट OMC द्वारा। तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं CBR वैल्यू द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, सॉइल सबग्रेड या सब बेस कोर्स या वियरिंग कोर्स या बेस कोर्स। तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सॉइल सबग्रेड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन द म्यूनसिपल वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे जो आपका म्यूनसिपल वाटर सप्लाई होती है उसमें
रोगाणुनाशन के लिए किसका यूज किया जाता है? लिक्विड ब्रोमीन का, या फ्लोरीन का, या पोटेशियम परमैंगनेट का, या लिक्विड क्लोरीन का? तो हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड क्लोरीन का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका अल्टीमेट शियर स्ट्रेस टेस्ट होता है वो सॉइल की किस क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है? कोहेजन, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, या स्ट्रेंथ? तो ये जो है किसे एक्सप्रेस करता है? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथ को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लेंस एयर परमिसिबिलिटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। आपसे पूछा गया है कि जो आपका ब्लेन एयर परमिसिबिलिटी टेस्ट होता है वो किस चीज़ के डिटरमाइन के लिए यूज होता है? फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम, या मॉइस्चर कंटेंट, या साउंडनेस ऑफ सीमेंट? तो ये जो टेस्ट किया जाता है ये किया जाता है फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्टील की जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है अगर जो उसे हमें डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? टेंजाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या शियर टेस्ट, या फिर फ्लेक्जर रिजिलिटी स्ट्रेंथ टेस्ट? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होगा, फ्लेक्जरल स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिटेज। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हुक्स लॉ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ऑल पॉइंट्स इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चैनल। तो यहाँ पे पूछा है कि चैनल के क्रॉस सेक्शन में फ्लो ऑफ वेलोसिटी जो होगी सभी बिंदुओं पर कितनी होगी? नॉट सेम, या सेम, या मिनिमम, या मैक्सिमम? तो वो होगी सेम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये आपके एमपी व्यापम सब इंजीनियर का पार्ट टू कंप्लीट हो गया है। अगर जो आप पार्ट वन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।